सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप सो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो यार, अभी मैं जस्ट जिम से आ रहा हूँ और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9। और आज से तुम्हारे भाई ने सोचा है कि आज से मैं करूँगा डेली ब्लॉगिंग। पहले एक हफ्ते का टारगेट लेते हैं कि एक हफ्ते तक क्या मैं डेली ब्लॉग कर पाऊँगा। अगर कर पाया तो उसके बाद हम उसे एक हफ्ते तक कंटिन्यू करेंगे, और अगर वो एक हफ्ते तक कंटिन्यू हो गया तो हम उसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो वैसे पूरा कंटिन्यू करता रहूँगा। तब से मैंने सोचा कि हाँ, मैं डेली ब्लॉग्स करता हूँ यार, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, मेरा ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर मैंने डेली ब्लॉग कंटिन्यू करे तो मेरा चैनल जो एक्टिव रहेगा, रोज़ उसमें ब्लॉग्स आएंगे। तो होपिंग फॉर दी बेस्ट कि हाँ यार, डेली ब्लॉग करने की मुझे हिम्मत आए और मैं रोज़ एडिट करके रोज़ एक नया ब्लॉग डाल दूँ। चलो आज का दिन शुरू करते हैं। दिन तो शुरू हो ही गया वैसे भी। देखो, सुबह का रूटीन ही होता है कि सुबह 4:30 बजे मैं उठता हूँ, फिर मैं जिम जाता हूँ। तो मैं उठ के जिम जा के वापस भी आ चुका हूँ, और मैं मम्मी आ चुकी है गाँव से वापस। वैसे 1.5 हफ्ता हो गया मम्मी को आए हुए, तो मम्मी आ चुकी है, मम्मी पूजा वूजा कर रही है, आ चुका है। और मैं अभी जस्ट जिम से आया हूँ। अभी मैं अपनी डाइट लेता हूँ पहले, थोड़ी सी भूख लग रही है इस टाइम पर। तो फिर उसके बाद मैं नहाने जाता हूँ और फिर कंटिन्यू करना। ओ भाई, देखो मैं खा रहा हूँ पनीर, और पनीर तो रॉ एकदम, उसका टेस्ट में थोड़ा सा केला खा रहा हूँ। और इसकी मतलब एकदम टेस्टलेस खाना होता है, तो मतलब थोड़ा बहुत एक केला तो मैं खा ही सकता हूँ ना इसके साथ। और हाँ, इसके देखो, खाने के साथ मुझे एक बहुत मेन चीज़ चाहिए होती है, वो है ये चश्मा। जब तक ये मतलब खाने के साथ मुझे मिले ना, तब तक मेरा खाना हजम नहीं होता। मतलब समझ रहे हो, पागलपन है सीरियल का मेरे अंदर। तो इसको फटाफट ख़त्म करता हूँ इसको अपना, और फिर मेरे को नहाना यार, गर्मी बहुत हो रही है, तो नहाता हूँ फटाफट, फिर मिलता हूँ आपसे आगे। One hour later. So, alright, मैं नहा चुका हूँ और अभी बारी है नाश्ता करने की। बस देखो, यही होता है जब आप एक मतलब जिम जा रहे हो और अच्छा मतलब फॉलो कर रहे हो ना उस चीज़ को, तो लाइफ में यही होता है, खाओ और खाते रहो, नहाओ खाओ नहाओ उठो सो, बस यही चल रहा है। अभी थोड़ी देर 1-1.5 घंटा पहले मैंने पनीर खाया था, और अभी मुझे फिर से भूख लग गया, और अभी मेरे को नाश्ता करना है। और वहाँ पर देखो, मम्मी मेरी बातें सुन रही है, मम्मी अकेले अकेले नाश्ता कर रही है, मुझे बुलाया भी नहीं। अच्छा? नहीं बुलाया? कहाँ बुलाया? बोला लगा वो लगी हुई थी कर नाश्ता कर नाश्ता कर। 10:30 हो गए और अभी नाश्ता करने की आ रही है, तो अभी नाश्ता करता हूँ पहले फटाफट। और मुझे ना नींद भी आ रही है, क्योंकि मैं सुबह उठ गया था 4:30 बजे। मतलब रोज इतना टाइम मुझे वापस नींद आती है, तो मैं थोड़ा रेस्ट भी करता हूँ, फटाफट मतलब अभी नाश्ता करता हूँ। तो मम्मी ने बनाई है देखो प्याज की सब्ज़ी, जो कि मुझे खास पसंद है नहीं, तो मैं खा ले रहा हूँ। भूख लगी है, तो यार भूख में तो इंसान कुछ भी खा रहा है, तो ये तो सब्ज़ी है तो खानी पड़ेगी। और ये है दही थोड़ी सी, और वापस से अपना शो चल रहा है। तो ट्राई करो यार, जितना प्रोटीन आपको ना पहले अपने जो फूड आइटम्स है ना उनसे मिल जाए तो बेटर है। सप्लीमेंट्स तब लेना जब ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ज़रूरत तो पड़ती है मतलब वे प्रोटीन की, बट ट्राई करना कि जितना आपके खाने से आपको प्रोटीन मिल जाए ना, जब आप लीन गेनिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो प्रोटीन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जितना खाने से मिल जाए उतना बेटर है, बाकी अगर तब ज़रूरत पड़ेगी तब आप वे प्रोटीन वगैरह और सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी है वो ले सकते हो, बट हाँ खाने से पहले प्रोटीन इंटेक अपना पूरा करो। तो फटाफट में से खाता हूँ, भूख लग रही है, नींद भी आ रही है, और एक दो काम मम्मी ने बोले वो भी करने हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले मैं खा लेता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे, काम अगर हो गए तो ठीक, नहीं तो बाद में कर लूँगा। तो गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया है और अभी मुझे धोने हैं बर्तन। मम्मी ने कहा बर्तन धोते हैं, तो बस तो मुझे बहुत नींद आ रही है, बिल्कुल मन नहीं है, बट बर्तन धो देते हैं फिर, नहीं तो मम्मी चिल्लाती रहेगी फिर नींद नहीं आएगी मुझे। करेगा कम क्या, कर तो रहा हूँ मैं, पता नहीं बोलता है नहीं बोलता, कभी भी जरूर नहीं है इसके सच्चे का कि नहीं मानना, ये नहीं करता कुछ ना।
मम्मी बहुत झूठ बोलने लगी आज यार। नहीं मैं देखो ऐसा है, मैं जब मेरा मन होता है मैं कर लेता हूँ। बस एक अच्छी बात यह है कि जिम जाने से यह है कि मैं अपनी ना डाइट खुद बना लेता हूँ, अपने खाने के लिए परेशान नहीं करता हूँ अपने घर वालों को। बस हाँ बर्तन बुर्तन धोने में कभी कभी थोड़ा आलस कर लेता हूँ मैं, क्योंकि नहीं होता कभी कभार मन तो क्या, बट हाँ अभी धो लेता हूँ फटाफट, नहीं तो फिर दिन भर सुनना पड़ेगा कि ये नहीं क्या वो नहीं क्या। तो भाई देखो मैंने जितने बर्तन थे वो धो दिए हैं। देखो घर पे अगर आप हो तो आपको यार ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे, ताकि आप घर वालों की किट-किट ना सुनो और ना अपने काम पे ध्यान ज़्यादा लगाओ। और बाहर भाई बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा। और ये खड़ी अपनी ब्लू जो कि मतलब खड़ी तो नहीं रहती है, मैं जाता रहता हूँ जिम में, बट हाँ राइट पर वहाँ टाइम से नहीं है। ये देखो मम्मी की लापरवाही। सुबह मैंने ये चाबी गेट खोला था 4:30 बजे ऐसे बाहर जाने के लिए, और ये चाबी अभी तक गेट पे ही है। हाँ वो बताऊंगा ही, कहाँ हो अपनी अपनी बारी आई तो तब बोलो सबको बता दे। चाबी यही में छोड़ रखी घर की मेन गेट की, पापा भी देख रहे हो ब्लॉग अभी आ जाएगा फोन। आज क्या मैं रोज ही धोता हूँ बर्तन। हाँ सीखो भाई सीखो मुझसे सीखो। देखो सुबह उठो, अगर जिम विम नहीं जाते हो तो जिम जाओ, अगर नहीं जाना है तो वॉक पे जाओ, कुछ करो, एक्टिव रहो, मतलब अपने सेहत का ध्यान रखो, अपने को अपने आप को फिट रखो, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है। और घर के थोड़े बहुत काम कर लिया करो जिससे घर वाले भी खुश रहें और ज़्यादा आपको सुनाए ना। तो बस फिलहाल तो सीन यही है, अभी मैं सो रहा हूँ क्योंकि मुझे आ रही है बहुत भयंकर नींद। तो उससे पहले मेरे को करनी है एक रील एडिट इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टाग्राम के लिए एक रील एडिट कर देता हूँ फटाफट, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सो जाता है यार, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जो भी ये ब्लॉग देखा है और इंस्टाग्राम पे जिसने भी फॉलो नहीं किया है तो ये नीचे देखो नाम आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो जाके फॉलो कर लो। 2000 years later क्या मैं दिख रहा हूँ? नहीं लाइट खोलनी पड़ेगी इस कमरे में ना, मतलब बिना लाइट खोले मैं व्लॉग कर ही नहीं सकता क्योंकि इतना अंधेरा हो जाता है ना। दिन का टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, मैं उठ गया हूँ सो के भाई, मस्त नींद आ गई मैं, बट हाँ अब मैं उठ चुका हूँ और थोड़ा खाना खाता हूँ और भूख लगी बहुत भयंकर, जिसकी वजह से उठा मेरे को भूख लगी इसलिए मैं उठा, मेरे को भूख नहीं लगी मैं और सो जाता। तो फटाफट खाना खाते हैं फिर थोड़ी देर में खाना खाने के, तो अभी तो यार टाइम है, अभी तो 1:30 बज रहा है, फिर मेरे को जिम जा रहा है दोबारा। जी हाँ मैं 2 टाइम जिम जा रहा हूँ, सुबह भी जा रहा हूँ शाम को भी जा रहा हूँ। ऐसा समझो सुबह मेरा होता है कार्डियो टाइम और शाम को होता है मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का टाइम। तो अभी फटाफट खाना खाता हूँ मैं और फिर जिम जाऊँगा और फिर मिलूँगा आपको जिम के बाद। जिम में एक्चुअली मैं देखो ज़्यादा शूट नहीं करता क्योंकि अभी मतलब ऐसा टाइम है तो जिम में बहुत भसड़ हो जाती है, तो वहाँ पे मतलब शूट ही करता रहूँगा मतलब वीडियो बनाता रहूँगा तो फिर एक्सरसाइज नहीं होगी और फिर और लोग भी मेरे को ऐसा घूरेंगे डिस्टर्ब होंगे कि क्या कर रहा है, या तो एक्सरसाइज कर ले तो वीडियो बना ले। तो फिर एक बार जब फिजिक थोड़ा अच्छा हो जाए, अभी से और बेटर हो जाए जो कि मैं आपको दिखा दूँगा, बट तब उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो तब तक के लिए मेहनत जारी है, बट अभी हाँ फिलहाल खाना खाता हूँ और बहुत भूख लग रही है मुझे, और फिर आता हूँ फिर जिम जाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको जिम के बाद। Meanwhile राइट बॉयज, मैं आ चुका हूँ जिम से घर, और घर आते ही मैंने उठा लिया GoPro हाथ पे, बैग भी नहीं उतारा अभी क्योंकि मुझे डेली व्लॉग करने हैं और डेली व्लॉग सीखने हैं कि मतलब मैं क्या क्या दिखा सकता हूँ अपने डेली व्लॉग्स में। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं सीख रहा हूँ, आई होप सो कि मैं डेली व्लॉग कर पाऊँ यार, मुझे इतनी शक्ति है भगवान की मैं कर पाऊँ डेली व्लॉग, तभी मेरा चैनल मतलब ऐसा है कि कंसिस्टेंट रहेगा, और कंसिस्टेंसी रहेगी तो बाकी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। बट हाँ बहुत गर्मी हो रही है, तो अभी आपको एक छोटा सा फिजिक अपडेट देता हूँ। तो फिजिक अपडेट कुछ
इस प्रकार अभी मेरा मतलब लीनिंग फेज चल रहा है, लीन गेन कह सकते हो आप, वो चल रहा है। डे वन है, व्लॉग वन है, और आज आपको फिजिक अपडेट दे देता हूँ अपना, क्या सीन है एक्चुअल में। क्लियर दिख रहा हूँ यार मैं, लाइट यार लाइट का थोड़ा लुचा तो होगा, बट ये देखो फिजिक अपडेट, जो पेट बाहर आ रहा था वो बिल्कुल अंदर हो चुका है, एब्स जो है वो थोड़े बहुत विजिबल है, और बाकी तो बाइसेप्स वाइसेप अपने पहले से अच्छे, चेस्ट अपनी पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं दिखती थी, अब देखो दिख तो रही है एटलीस्ट। और बेस्ट पार्ट ट्राइसेप्स देखो बाय, क्या ही कहते हैं। लेग्स आपको किसी दिन दिखाऊंगा जब है ना उस अटायर में रहूँगा मैं, बट हाँ फिलहाल क्या बैक तो कैसे ही दिखाऊँ मैं आपको, बट हाँ बैक में मुझे बहुत ज़्यादा करना है, मुझे सबसे ज़्यादा वर्क मेरी बैक पे करना है, बैक में सबसे ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि बैक में इतनी खास है नहीं मेरी जितना मेरा फ्रंट पार्ट है, चेस्ट एब्स और बाइसेप्स शोल्डर्स, शोल्डर्स भी अपने देखो बहुत प्यारे मतलब परफेक्ट एकदम शेप में आ रहे हैं, तो यू तो यस कह सकते हैं। शोल्डर देखो, शोल्डर लाइन दिख रही होगी आपको, दिख रही है ये देखो शोल्डर लाइन, देखो ये कर्व टाइप और ये सब कुछ, ये सब लीन उसमें आता है, लीन कर्व कट्स कह सकते हो आप इन्हें, तो ये सीन है। और क्या कह रहा था मैं, बैक बैक में बहुत वर्क करना है अभी, तो आई गेस ये महीना मेरा बहुत मतलब क्रूशल होने वाला है वर्कआउट के लिए, बैक के लिए खास करके, मुझे मतलब कैसे भी करके नहीं आओ, एक परफेक्ट लीन फिजिक चाहिए ही चाहिए, उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो यस देखते अभी क्या होता है। बट हाँ अभी मैं घर आ चुका हूँ और फ्रेश होता हूँ पहले, फिर मिलता हूँ आपको और फिर डिस्कस करते हैं आगे चीज़ें क्या क्या, मतलब मेरे को नहीं पता है डेली ब्लॉग में क्या क्या ही बोलूँ मैं, देखो जो घर में हो रहा है वही बताऊँगा, तो फिलहाल मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ फिर देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ना ये बटन खुला है और ये बाथरूम की लाइटें खुल जा रही है, कोई नहीं है, और यहाँ कौन जाता है, यहाँ जाती है मम्मी, और यही यही चीज़ अगर मेरे से खुली रह जाती ना मेरे से, तो भाई ऐसे ताने ऐसे मतलब गालियाँ सुनने को मिलती ना मुझे, पर नहीं यही होता है सारे बच्चे ना उसे रिलेट करेंगे, जब ये चीज़ें घर वालों से होती है ना कुछ कुछ भी कलेश तो तब ठीक है चलता है यार कुछ नहीं होता, यही चीज़ें जब बच्चों से होती है ना हमसे तो भाई कलेश। कहाँ 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 जा रहा हूँ, और मुझे नहीं पता है डेली ब्लॉग में क्या क्या दिखाऊँ, तो मैं देखो यही है डेली ब्लॉग में जो हो रहा है वही दिखा रहा हूँ। और गाइस IPL शुरू हो चुका है और मतलब काफ़ी मैचेस हो चुके हैं, और अभी भी देखो मैच चल रहा है चेन्नई वर्सेस RCB, तो मैं यही देख रहा हूँ फिलहाल तो, और अपनी डाइट भी लूँगा इसके साथ साथ, फिलहाल मैं मैच देख रहा हूँ। एंड आई होप सो कि सही चल रही होगी डेली व्लॉगिंग, मतलब डेली व्लॉगिंग कह रहा हूँ सही चल रही होगी वीडियो, बोर नहीं हो रहे होंगे आप लोग। देखो अब मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे करना ही करना है यार, अपना चैनल एक्टिव रखना है, नहीं आओ तो मुझे ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, तो जो भी बना रहा हूँ देख लेना, बाकी कमेंट में बताना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए डेली ब्लॉगिंग में, उस हिसाब से देखेंगे क्या होता है आगे। तो फिलहाल इस वीडियो को इतने रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जो डेली ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया वो पसंद आएगा, तो मिलता हूँ मैं आप सभी को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि होगा कल सुबह, तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट, बाय बाय।